नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ गाजर, मिर्च और मूली से अचार बनाने की रेसिपी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऑलराउंडर रेनू को और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए और हमें चाहिए अजवाइन चाहिए 1 छोटी चम्मच, सरसों 2 चम्मच। इस तरह के चम्मच से हमने 2 चम्मच सरसों लिया है और आधा चम्मच अजवाइन लिया है और आधा चम्मच मेथी लिया है और 1 चम्मच साबुत जीरा है और सौंफ है 1 चम्मच और काली मिर्च। आप इसके जगह साबुत काली मिर्च भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पाउडर इस्तेमाल करूँगी। और सरसों के तेल ज़रूरत के हिसाब से, और इसमें नमक भी लेंगे स्वाद अनुसार और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे स्वाद अनुसार। सबसे पहले सरसों ले लेंगे, सरसों को भूनना है हमें। जब मसाले को भूने तो आंच को धीमी कर लें। आप इसे कढ़ाई में भी भून सकते हैं। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, अब मेथी डालेंगे। इस तरह हमें चलाते ही रहना है ताकि जले ना। ये इंस्टेंट अचार है। लास्ट में एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे ताकि अचार आपका खराब ना हो और ज़्यादा दिन चले। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब इसमें सौंफ डाल देंगे, इसे मिक्सी जार में पाउडर करेंगे। सबसे पहले सरसों का तेल ले लेंगे। मैं यहाँ 125 ml सरसों का तेल ली हूँ। हमने जो मिर्च लिया था इसे हम छोटे छोटे पीस कर देंगे। अब सबसे पहले हम मिर्च को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 1 मिनट के लिए इस तरह पका लेंगे। 1 मिनट से हो गया है। अब इसमें गाजर और मूली डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर अच्छे से 5 मिनट के लिए हमें पकानी है। इसे ढकनी नहीं है। देखिए अचार का मसाला इस तरह का होना चाहिए, दरदरा। मूली और गाजर डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसे बनाना है। 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, अजवाइन डालेंगे, इसमें मैंने 3 चम्मच मसाला डाले हैं और 1 चम्मच बच गया है। देखिए इतना बच गया है, 1 चम्मच। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दे ताकि कलर अच्छा आएगा। अब इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आंच को धीमा कर ले जब मसाला डाले तब। काश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। हमें काली मिर्च पाउडर डालनी है। मैं यहाँ पर गैस ऑफ कर रही हूँ। टीस्पून से आधा चम्मच डालें। हमें लास्ट में नमक डालनी है, टेस्ट के अनुसार नमक लें। सीक्रेट चीज़ विनेगर है। अचार में ठंडा होने के बाद विनेगर डालना है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसे विनेगर डालने के बाद इसे मिक्स करके कांच की बर्तन में रख देनी है और इसे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।